जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो है कि राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर एंड पास इट टू द फंक्शन, कि हमने कोई दो नंबर एंटर करने के बाद उनको फंक्शन को पास करना है और वो जो फंक्शन होगा वो चेक करेगा कि विच नंबर इज ग्रेटर। तो उनमें से जो बड़ा नंबर है वो हमें रिटर्न करेगा और हम लोग उसको मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारा कंप्यूटर 10th क्लास का प्रैक्टिकल है जो लास्ट टाइम 2022 में जो पेपर में जो आया था। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी ये स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड pass it to the function that check and display message that which number is greater। हम लोग स्टेटमेंट को कमेंट करते हैं। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने प्रोग्राम में जो है stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में इनपुट भी लेनी है और उसको डिस्प्ले भी करना है। तो स्कैन एफ और प्रिंट एफ का फंक्शन जब भी यूज करते हैं तभी हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को ऐड करते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। हमने तीन जो है वेरिएबल लिए, एक ए फर्स्ट नंबर के लिए, बी सेकंड नंबर के लिए, और दोनों में से जो बड़ा होगा उसको बिग में हम लोग स्टोर करवाएंगे और इन तीनों की जो टाइप है वो है इंटीजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक मैसेज डिस्प्ले किया, ये प्रिंट एफ एंटर टू इंटीजर्स। आप कोई भी दो इंटीजर एंटर करने को डिमांड की गई है। ये स्लैश एन का मतलब है कि कर्सर जो है वो आपको न्यू लाइन पे शो होगा। तो जैसे ही यूजर दो नंबर एंटर करेगा तो स्कैन एफ फंक्शन जो है वो फर्स्ट वैल्यू को ए में और सेकंड वैल्यू को बी में प्लेस करवा देगा। और ये साथ में क्या है, एड्रेस ऑपरेटर, कंपाइलर जो है इस एड्रेस ऑपरेटर के थ्रू वेरिएबल में वैल्यू पुट करवाता है और वेरिएबल से वैल्यू रिसीव करता है। नेक्स्ट है जी, हम लोगों ने एक फंक्शन जो है उसको कॉल किया कि ए और बी फंक्शन जो है वो हम लोग उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। क्योंकि जैसे हमने मेन लिखा था, मेन से ऊपर हमने एक फंक्शन की प्रोटोटाइप दी थी, ये देखें इंट बिगेस्ट इंट इंट। इसका मतलब ये है अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे कि ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है और हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे उसका नाम बिगेस्ट होगा, दो इंटीजर टाइप वैल्यू रिसीव करेगा और आफ्टर प्रोसेसिंग एक इंटीजर टाइप वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। इसको फंक्शन की हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। फिर उसके बाद हमने फंक्शन को जो है वो कॉल किया। जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया उसको हमने दो वैल्यूज ए और बी इंटीजर टाइप भेजी हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन जब हम लोग लिखेंगे तो ये दो वैल्यूज जो हैं ये वाला फंक्शन उनको पास कर देगा। तो कंट्रोल जो है इस स्टेटमेंट के बाद शिफ्ट होके लाइन नंबर 11 के बाद शिफ्ट होके लाइन नंबर 16 पे आ जाएगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ये फंक्शन को डेफिनेशन के अंदर क्या होगा भला, के जो दो वैल्यूज ए जो थी वो वैल्यू एक्स में पास हो जाएगी और जो बी होगी वो वैल्यू वाई को पास हो जाएगी। दोनों वैल्यूज एक्स और वाई में आ गई हैं। हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। जाहरी बात है अगर एक्स वाई से बड़ा होगा तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी और जो है क्या होगा, रिटर्न एक्स। तो ये बड़ी वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। कंट्रोल जो है इसका बैक टू उसी स्टेटमेंट जहां से इसको कॉल किया गया था वहां पे आएगा। तो इस बिग में वैल्यू जो है वो बड़ी जो है रिटर्न हो जाएगी अगर पहली वैल्यू बड़ी है, नहीं तो फिर हम लोग एल्स फंक्शन यूज करेंगे रिटर्न वाई। अगर एक्स नहीं बढ़ी तो अल्टीमेटली फिर वाई ही बड़ी होगी, तो फिर रिटर्न जो है वो वाई हो जाएगा। आपके पास
बिगेस्ट में जहां से हमने कॉल किया था, तो बिग में बड़ी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी। तो फिर हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज जो हमने इनपुट ली थी वो भी प्रिंट करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, और उनमें से जो बड़ी होगी उसको भी प्रिंट करवा देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, इसकी कोडिंग मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, और अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। जैसे ही हमने इसको रन किया तो हमारे पास एंटर टू नंबर का मैसेज आया। मैंने एक नंबर जो है वो 50 एंटर किया और सेकंड नंबर जो है वो मैंने 30 एंटर किया, तो फौरन ही आंसर आया 50 इज ग्रेटर देन 50 एंड 30, के 50 में और 30 में से 50 नंबर बड़ा है। जी स्टूडेंट्स, ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, शॉर्ट सा था, कि हमने दो नंबर इनपुट लेने हैं, लेने के बाद चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह थी कि हमने ये वाला काम जो है वो फंक्शन के थ्रू कराना है। बस ये उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।